तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवी ठाकुर और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी। और वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी ने इस बार आपके लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन दोस्तों तैयार करी है जो कि आपके पॉकेट में भी रहने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाली है प्रॉपर्टी आपके लिए उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास, जो कि हर एक फैमिली चाहते कि जो हमें घर मिले वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास वो ज़्यादातर लेना चाहते हैं दोस्तों। तो आज की ऐसी ही प्रॉपर्टी जो कि आपके लिए रखी गई है 50 गज इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर बाइक पार्किंग के साथ। लिफ्ट इस बिल्डिंग में नहीं है, क्योंकि आपको ही मालूम है कि अगर आपको लिफ्ट के साथ बिल्डिंग चाहिए तो कम से कम 100 गज की जगह हमें चाहिए तभी आपकी लिफ्ट हो पाती है। तो ये जो फ्लोर है आपके लिए विदाउट लिफ्ट है, बाइक पार्किंग के साथ है, 50 गज ऑन पेपर है। तो यूज़ करते हैं 55 गज इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। और जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास है, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो हार्डली 500 से 600 मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से। और बात करते हैं इसकी सराउंडिंग की, तो प्रॉपर कॉलोनी एरिया आपको दोस्तों रहने वाला है। पास में स्कूल मिल जाता है, मार्केट मिल जाती है जो कि सोम बाजार रोड, मेन मार्केट हम जिसको बोलते हैं, वो आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। और उस रोड के ऊपर आपको हर तरीके की मार्केट है, जिम मिल जाता है, आपका ग्रोसरी स्टोर है, कॉस्मेटिक स्टोर है, केमिस्ट स्टोर है, मीन्स हर एक चीज़ जो कि आपको चाहिए होती है और हर चीज़ की शॉप आपको उस रोड पर दोस्तों मिल जाती है। तो ज़्यादा वेट ना करते हो या ज़्यादा बात ना करते हो तो फटाफट आप देखिए एक छोटा सी झलक, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आज का 55 गज में रहने वाला इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर जो कि आपको मिलने वाला है महज सिर्फ 22,50,000 रुपये में। तो ये है दोस्तों गली जो आप देख रहे हैं 15 फीट की, जो कि आपको आपकी बिल्डिंग के फ्रंट में रहने वाली है, जिसका प्राइस मैंने आपको बताया सिर्फ 22,50,000 रुपये में बाइक पार्किंग के साथ है। तो फ्रंट में आपने गली देख ली 15 फीट की आपको मिल जाती है। बालकनी एरिया की बात करेंगे तो ये बालकनी एरिया यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रॉपर बालकनी एरिया है जहाँ पर आपका टैप टूटी लगा के आप अपने कपड़े धो सकते हैं और सामने दोस्तों सुखा सकते हैं। और जस्ट इसी के साथ में रहता है हमारा ये पहला बेडरूम जो कि रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम प्लस स्टोरेज एरिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे हमने एल टाइप में कंप्लीट वॉलपेपर हम आपको लगा के दे रहे हैं और इसी वॉल के ऊपर आपका स्टोरेज एरिया आ गया, जिसके हम ऊपर ही हम आपको ड्रेसिंग पार्ट तैयार करवा के दे रहे हैं। स्टोरेज आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पेस यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रखा गया है, ऊपर भी स्पेस उसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपके लिए रखा गया है। प्लस वेंटिलेशन के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं और ये नेचुरल एयर के लिए पूरी विंडो आपकी आ गई है। मॉस्किटो नेट आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। जस्ट इसी के साथ रहता है इसका अटैच वॉशरूम, अब यहाँ से आप देख सकते हैं अभी सैनिटरी का काम होना बाकी है, बाकी आप टाइल्स वर्क देख सकते हैं, प्रॉपर वॉल टू वॉल है, ऊपर वेंटिलेशन आपको मिलने वाला है। बाकी इसके अंदर जितनी भी बाथ फिटिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, सब कुछ हम आपको इसमें करवा के देंगे दोस्तों। अब इस फर्स्ट बेडरूम से होते हुए अब हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम एरिया में कि वो कैसा आपके लिए रखा गया है। तो जस्ट ये आप देख सकते हैं इसका ड्राइंग रूम दोस्तों आ गया। अब ड्राइंग रूम के अंदर भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी हम आपको एल टाइप में प्रॉपर वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं और इसमें आप यहाँ पे आसानी से अपना स्मॉल 4-5 सीटर सोफा यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ फ्रंट में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा दोस्तों और इसी के ठीक सामने आ जाता है हमारा LCD पैनल और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से 32-40 इंच का TV आप लगा सकते हैं। ऊपर और नीचे सेल्फ आ गई डेकोरेशन के लिए, नीचे आपका स्टोरेज बॉक्स आ गए। अब जस्ट इसी के ठीक साथ में रहता है हमारा अटैच या कॉमन किचन, या आप ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम और इसके बीच में एक पार्टीशन कर दिया है वुडन का जो कि दोनों को सेपरेट कर देता है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस आ गया, यहाँ पे फ्रिज लग जाएगा, सारे पीछे सारे स्विचेस बोर्ड आ गए और ये आपकी एल टाइप की किचन आ जाती है। यहाँ पे आपका साउंडलेस सिंक आ गई, ऊपर सैनिटरी लग जाएगी, इधर आपकी चिमनी आ जाएगी। बाकी रैक्स आप काम पूरे देख सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क आपको ऊपर करवा के दे रहे हैं, ऊपर भी पूरी स्टोरेज है जहाँ पे आप अपना कोई चीज़ आपको कवर करनी मीन्स सेव करने हो तो ऊपर आप उन स्टोरेज में दोस्तों आसानी से रख सकते हैं।
अब इसके बाद बात करेंगे आपके गेस्ट वॉशरूम की। तो अब ये आपका कॉमन गेस्ट वॉशरूम रहने वाला है, आप साइज देख सकते हैं काफी अच्छा है। इसके अंदर भी सैनिटरी काम अभी बाकी है, बाकी टाइल्स यहाँ भी वॉल टू वॉल है। पीछे आपका वेंटिलेशन आ गया, इसमें भी बाथ फिटिंग और सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट हम आपको करवा के देंगे। अब इसके बाद ही रहता है इसका सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम के अंदर भी यहाँ पे भी हम आपको एल टाइप में कंप्लीट वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं। इसके अंदर भी आपका स्टोरेज एरिया आ गया जो कि आपको कंप्लीट मिलने वाला है। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा डिजाइन हम आपको बना के दे रहे हैं। अब डिजाइन के साथ साथ बात करेंगे इसकी वेंटिलेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पे शाफ्ट एरिया आ गया ताकि सफोकेशन नहीं रहेगी, और जस्ट इसके साथ में यहाँ पे आपका स्प्लिट एसी का प्रोविजन आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपने कैबिनेट टांगना है और आपका एसी का मजा आपने दोस्तों लेना है। तो ये है दोस्तों आज का हमारा सिर्फ 22.5 लाख रुपए में रहने वाला फ्लोर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, जैसे आपको शुरू से बताता रहा हूँ कि 50 गज इंडिपेंडेंट रहने वाली, लिफ्ट नहीं है। तो जहां पे लिफ्ट नहीं होता है वहां पे जो बिल्डिंग की स्टार्टिंग प्राइस है वो रहती है उसके सेकंड फ्लोर से। तो जो मैं आपको 22.5 लाख रुपए रेट बता रहा हूँ वो रहता है इस बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर का रेट। और अगर आप नीचे का फ्लोर लेना चाहते हैं तो इसमें आप 1-1.5 लाख रुपए प्लस कर लेंगे तो नीचे का फ्लोर आ जाएगा। छत लेंगे तो वो रूफ रेट के साथ आपको मिलेगी, उसकी अनदर कॉस्टिंग है। बट लेकिन अगर आप 22.5 लाख से ऊपर नहीं खर्चना चाहते तो आप सेकंड फ्लोर इसका दोस्तों ले सकते हैं। तो ये था आज का मेरा 55 गज में रहने वाला 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि आपको मिल जाता है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो की लोकेशन पे। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिर्फ 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। आसपास सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी की तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी, BSES की बिजली, गैस पाइपलाइन सब कुछ आपको यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है। ई रिक्शा कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। हर तरीके की मार्केट यहाँ पे पास में रहने वाली है। और सबसे मेन की जो मेन मेट्रो रोड है वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, महज आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों रहने वाला है। तो फटाफट आइए, जैसा कि अब त्योहार निकल चुके हैं, अब आने वाला है नया साल, जो कि हर कोई चाहता है कि नया साल उनकी जिंदगी में खुशियों से भरा हुआ है दोस्तों। तो उसी नए साल का स्वागत कीजिए इस प्रॉपर्टी को दोस्तों अपना बना के। तो जल्दी से आइए और इस प्रॉपर्टी को अपना बनाइए। अपना बनाने के लिए सिर्फ आपने नीचे हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है, इसकी डिटेल जाननी है और इसकी अपॉइंटमेंट और इसकी विजिट बुक करनी है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन भी बुक करना चाहते हैं तो आप उसको बुक कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको जो भी डिटेल है वो हमारे आप कस्टमर केयर से दोस्तों ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये 55 गज में रहने वाला 2 BHK फ्लैट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्त लवि ठाकुर को इस वीडियो से दीजिए इजाजत। मिलेंगे अपनी इसी तरीके से नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, रब राखा, जय हिंद।